told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake. So, hey friends, good morning. यार अभी सवेरे का टाइम है, at least यहाँ पे मेरे हिसाब से 7 से 8 बज रहे हैं और अभी हम हैं अभी अल्मोड़ा की लोकेशन के अंदर. तो यहाँ पे अगर आपने अल्मोड़ा को नहीं देखा है अच्छे से तो आपको मैं एक बार व्यू एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ. तो कुछ इस तरह का अल्मोड़ा का व्यू है. यहाँ पे सिर्फ हम गाँव वाले एरिया में, आप पीछे एक बार हसीन वादियाँ जो है वो देख सकते हैं. प्रॉपर एकदम नेक्स्ट और अलग ही यहाँ पे फील आ रहा है. और साथ ही साथ मैंने सोचा यार आज हम यहाँ पे आए हैं तो जागेश्वर धाम के दर्शन भी कर लेंगे और यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फूड मेरे को जहाँ जहाँ मिलेगा मैं उसको डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूँगा. और अभी यहाँ पे सवेरे के बज रहे हैं मेरे हिसाब से 7:30 से 8:30. तो अभी हम इस वक्त नहाने वगैरह जाएंगे, सारा फ्रेश होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे मिलेंगे. तो तब तक आप यहाँ पे इंजॉय करिए प्रॉपर हसीन वादियाँ. तो अल्मोड़ा के अंदर आप आए हैं तो मॉर्निंग में इस तरह का व्यू आपको जो है वो छत से इतनी धूप के अंदर देखने के लिए मिल रहा है. साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो. और इस वीडियो को जोर से लाइक करना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ना कभी कभी देखने के लिए मिलती है. क्योंकि हल्द्वानी से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. बहुत ज़्यादा जाम देखने के लिए मिला था, बहुत अलग अलग रोडों का सामना करना पड़ा था. So friends, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी जागेश्वर मंदिर पे. तो चलिए यहाँ पे आपको मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देते हैं. यहाँ पे अगर आप 360 व्यू के अंदर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट देखने के लिए मिल रही है. तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉपर तरीके से एक बार देखने कुछ इस तरह का जो है आपको इसके अंदर व्यू वगैरह सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी. तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा प्रसाद यहाँ पे हम जो है वो जागेश्वर मंदिर में चढ़ाएंगे. चलिए भैया कितने रुपए का है भैया? 151. ठीक है, और 151 का है. यहाँ पे आपको प्रसाद देखने को मिल रहा है जिस तरीके की है. इधर साइड भी है, बहुत सारी मार्केट है. एक बार हर जगह जाके देखेंगे आप देख सकते हो. चलिए यहाँ मंदिर में जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से यहाँ पे हमें जो है सारा चीज देखने को मिलता है. भैया एक प्रसाद दे दीजिए, एक दे दीजिए, पैसे वापसी में लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसे जो है वो वापसी के अंदर हम लोग देंगे. अभी जो है प्रसाद हम ले जा रहे हैं यहाँ से. एक ही ले जा. तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको अंदर का भी ओवरव्यू कराएंगे किस तरीके का है यहाँ पे. अभी तो कुछ इस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे व्यू वगैरह सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है. तो यहाँ पे शू स्टैंड है, आप जो है अपने शू वगैरह यहाँ पे सब खोल सकते हो. यहाँ पे खोल दे, देखिए शू वगैरह हमने सब चीज़ यहाँ पे ओपन कर दिए हैं. यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रश है. आप लोग यहाँ पे जो है भीड़ वगैरह देख पा रहे होंगे प्रॉपर. यहाँ पे देखिए बहुत लंबी लाइन वगैरह है और इस लाइन में हमें जो है वो जागेश्वर मंदिर के अंदर जागनाथ की यहाँ पे पूजा वगैरह कर दी है. तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत पूरा दिन हमारा इसमें चले जाएगा. तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें सब सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे तो दर्शन हो गए हैं भगवान जी के जो है जागनाथ मंदिर के. अगर आपको पीछे जो है वो लाइन देखने के मिल रही होगी, ये जो है मुख्य मंदिर है, मेन मंदिर है. आप जैसे एंट्रेंस होंगे ना आपको एक मंदिर स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगा. जो मंदिर जो होगा वहाँ पे भी आपको जो है वो दर्शन मिलेंगे जागनाथ मंदिर के, बट जो इनका मुख्य मंदिर है वो यहाँ पे है. आपको जो है पूरी भीड़ वगैरह यहाँ पे सब चीज़ लाइन वगैरह सब चीज़ देखनी पड़ेगी. आपको जो है वो लाइन वगैरह सब चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पे आपका नंबर आएगा. आज संडे है और यहाँ पे एटलीस्ट अभी
20 मिनट हो रहा है, संडे का दिन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और लोगों की यहाँ पे जमावड़ा भी है कि भाई यहाँ पे दर्शन करने हैं जागेश्वर महाराज के। तो यहाँ पे अभी लोग जो है वो अपने फुल मस्ती या अपनी भगवान वाली लीन के अंदर ना, मतलब वो डूबे हुए हैं। तो चलिए अभी हम चलते थोड़ा सा बाहर की तरफ, और आपको पूरा ओवरव्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे आपको मंदिर वगैरह सब चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो पीछे साइड यहाँ पे जो मंदिर की नक्काशी है ना, जो मंदिर बनाए गए हैं वो पूरा एंशियंट टाइम के तरीके से बनाए गए हैं। एक मिनट अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो जैसे कि ये वाला मंदिर है, तो इस मंदिर पे अगर आप देखोगे तो ये जो डिजाइनिंग है प्रॉपर जो है वो पत्थर से हाथ से खरोच के जो कलाकार थे पहले के टाइम में उन लोगों ने बनाई हुई है। और ये मंदिर की यार बहुत टाइम हो गया है, मैंने सोचा था कि भाई एक बार जागेश्वर मंदिर एक बार हम विजिट करेंगे, बट बहुत टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बट इस बार मैंने यहाँ पे निश्चय किया कि भाई चलो जाते हैं और यहाँ पे जो है वो शूट भी करते हैं, और आप लोगों को इंटरेस्टिंग जो जगह है यहाँ की उसके बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह का ओवरव्यू पूरा का पूरा मंदिर देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है यहाँ पे थोड़ा सा पानी बहता हुआ, बरसातों के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी आ जाता है, तो बिल्कुल शॉप्स वगैरह सब चीज़ खोलने पड़ेंगे, वरना शॉप्स नहीं खोलूँगा तो भीग जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का प्रॉपर यहाँ पे से एकदम नेक्स्ट लेवल का फील आता है यार। और ऐसे मौसम में ना, और ऐसे मतलब जगह में मैं आपको कैमरे के अंदर नहीं बयां कर सकता हूँ कि भाई मेरे को कितना अच्छा लगा है, बट डेफिनेटली अगर आप आओगे तो आपको जो है वो उत्तराखंड के अंदर या पहाड़ों के अंदर ना आपको फूल उगता नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको जो है वो उतनी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको एकदम मतलब आप नहीं हो जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आप स्वर्ग मतलब हेवन जिसको कहते हैं ना वहाँ पे पहुँच जाओगे। चलिए कुछ इस तरह का देखिए आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। A few moments later. So friends, यहाँ पे देखिए अभी मैंने थोड़ा सा चढ़ावा भी किया था अपने एंड से, इतना भी चढ़ावा यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो अगर आप भी अपने एंड से कुछ चढ़ावा देना चाहते हैं तो ये वाला चढ़ावा सेंटर है या काउंटर है, आप वहाँ पे से जाके सब चीज़ें कर सकते हो। तो अभी चलिए हमने जो है दर्शन वगैरह सब चीज़ कर लिया है, अब बाहर की तरफ जाते हैं और सब चीज़ें आपको जो है वो विजिट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने जो है जूते चप्पल ना बाहर खोले थे, इधर वहाँ से हमें पता नहीं था कि ये शू रैक स्टैंड है अंदर जाके, तो यार हमको लगा हमारे चप्पल वगैरह जो है वो जूते वगैरह जो है वो साफ हो गए। चलिए अभी तो हमने अपने शूज़ वगैरह जो है पहन लिया है, बगल में जो है वो दुकानदार वाले भैया थे, उनने बताया कि भाई यहाँ पे आप जो है वो आपको ये सब चीज़ें अंदर वहाँ शू स्टैंड में देखने को मिलेंगे आपको शू। तो देखिए अभी इनका जो है पेमेंट वगैरह सब चीज़ करते हैं जो भी हमने इनसे लिया था, और इनकी जो थाली है या जो इनका जो बकेट है वो इनको वापस करते हैं। सो फ्रेंड्स हमें लगी थी भूख, यहाँ पे हम आए हुए थे ये भोजनालय में, श्री की माता भोजनालय आपको जो है पीछे देखने के लिए मिल रहा होगा। और यहाँ पे जो कि नॉर्मल सादा खाना मिल रहा है, प्रॉपर पूरी छोले राजमा चावल वगैरह कुछ मिल रहा है अंदर साइड में। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा अपनी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में आते वक्त ना हमने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, सवेरे के टाइम में ही नाश्ता किया था। अभी दिन के अराउंड 1-2 बजने वाले हैं, 2 बजे के टाइम पे हमारा जो है वो लंच हो रहा है, लंच नॉर्मल सा हल्का फुल्का करेंगे। और अभी आपको बताएंगे कि भाई टेस्ट वगैरह कैसा है, नॉर्मल खाना है यार पहाड़ टाइम में। आपको कुछ मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपको खाना तो यहाँ डिलीशियस फूड जैसे आप सोचते हैं कि भाई आपको जो है वो चाउमीन बर्गर या वो पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, बट नॉर्मल सा जो डिसेंट खाना होता है ना लाइट वेट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रकृति है उसकी सुंदरता भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या है दाल है, पीली दाल है भाई, यहाँ पे देखिए आपको दाल भी देखने को मिली है, पीली दाल है, प्रॉपर अरहर की दाल बन रही है। भैया खाने में क्या क्या होगा? खाने में दाल चावल है, कढ़ी चावल है, छोले चावल है, राजमा चावल है, और पूरी है, रोटी है। अच्छा नॉर्मल जो डिसेंट खाना है वही है? हाँ जी नॉर्मल सा। तो बिना प्याज लहसुन का होगा? तो फ्रेंड्स बिना प्याज लहसुन का खाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्या क्या है थोड़ा सा दिखा सकते हो? ये दाल है, ये राजमा है, दिखाइए एक बार हिला के दिखाओ। तो यहाँ पे देखिए आपको बिना लहसुन प्याज की भी राजमा देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे आप राजमा देख सकते हैं। ये कड़ी है। अच्छा ये झोली झोली भात है, कड़ी क्या है? झोली भात कहते हैं यार पहाड़ी में, झोली भात है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये छोले हैं, आप छोले भी देख सकते हो प्रॉपर। यहाँ पे देखिए ये आलू टमाटर है। और यहाँ पे देखिए जो भक्तजन है ना वो प्रॉपर यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और सबको मतलब भूख लगी हुई है, और सवेरे से सब लोग यहाँ पे
बहुत दूर से सफर करके आए हुए हैं। मंदिर आप वहाँ पे देख पाओगे, जस्ट उसके सामने जो है वो आपको ये भोजनालय देखने के लिए मिलेगा। ये आप भोजनालय देख सकते हो। तो चलिए अभी हम जो है अपने लिए एक पूरी प्रॉपर प्लेट लगाते हैं जहाँ पे हमको हर चीज़ मिलेगी और उसको एक बार टेस्ट करेंगे कि भाई कैसा उसका टेस्ट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंदा जा रहा है पूरी के लिए और साथ ही साथ जो रोटी वगैरह होगी उसके लिए। यहाँ पे बहुत छोटा सा किचन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहाड़ों में ऐसा ही किचन होता है, ऐसा ही रेस्टोरेंट होता है, आपको कुछ इसी तरीके से सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए, ये गाय का पराठा है ब्रो, ये नमक डाल के नमकीन, अच्छा नॉर्मल नमकीन पराठा, नमकीन पराठा यहाँ पे देखिए रेडी हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी लगने की जा रही है। भैया किसके लिए लग रही है पूरी? ये आपके लिए, ये हमारे है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पूरी लगने जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है, देखने में खाने में कितना मजा आएगा। आप यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगी भाई कितना डिलीशियस यहाँ पे टेस्ट है। तो बहुत गर्मी है अभी, तो बहुत गर्मी है अंदर और बाहर भी गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारी प्लेट वगैरह लग गई है, प्रॉपर प्लेट लग गई है, मैं देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पूरी है, राजमा है, दाल है, छोले है और झोली है और इसके ऊपर रोटियाँ भी लगी हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ बना के रखी हुई हैं और इसके ऊपर दो रोटियाँ भी लगेंगी। रोटियाँ लग रही हैं, बताएंगे आपको टेस्ट वगैरह कैसा है इसका। यहाँ पे लग चुकी है जहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी है, रोटी है, झोली है, साथ में आपको जो है वो छोले भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आलू टमाटर की सब्जी, मतलब पहाड़ियों की सबसे फेमस सब्जी जो है वो आलू टमाटर है। कुछ नहीं मिला तो यहाँ आलू टमाटर बना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो राजमा भी आपको जो है देखने के लिए मिल रही होगी। एक ब्लॉगर या फूड ब्लॉगर की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, छोले के साथ सैलेड मांग नहीं सकते, सैलेड में होता है प्याज और ककड़ी वगैरह, इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। बट कोई बात नहीं, टेस्ट आपको बताते हैं कैसा लगता है। छोले चावल, छोला और पूरी ही, अब आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं पूरी के साथ। ज्यादा मसाले भी आपको आपसे आगे मिलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भजन होंगे उनसे भी थोड़ा सा आना चाहते हैं, तो किस टाइम पे, किस सीजन में आ जाते हैं। भी यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन आलू भुट्टो की अगर मैं बात करूँ, ये तो पहाड़ियों की जान है यार। प्रॉपर तरीके से आलू भुट्टे अगर खाने के लिए मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का फील आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने खड़े खड़े धनिया के बीज भी हैं जो एकदम नेक्स्ट लेवल का स्वाद दे रहे हैं, और मिर्ची और नमक का भी टेस्ट एकदम
प्रॉपर अगर पहाड़ी वाली बुक जाते हैं ना वैसा ही आ रहा है। और अगर इसमें थोड़ा सा पूरी के साथ खाऊँ, ये देखिए पूरी ब्लैक तोड़ दी है और ये देखो इसमें रखा है ऐसे। और उसके बाद गरम गरम पूरी साथ में आलू मिल के एकदम नेक्स्ट लेवल पी लेते हैं भाई। मेरे को तो इन सब में से जब मैंने आगा बोला था उसके बाद सबसे पहले आप इस मछली आलू भून के आओ तो टेस्ट जरूर करना, सामने ही है। आपको कुछ ज़्यादा खाने के लिए नहीं मिलेगा बट जो भी खाने के लिए मिलेगा एकदम नेक्स्ट लेवल होगा बट टेस्ट एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे मिलकर फटाफट से फिनिश करो और ये मेरे को ही फिनिश करना है क्योंकि कैमरामैन का पेट भर चुका है तो कैमरामैन नहीं खाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा देख के यहाँ पे दर्शन भी पूरे हो गए हैं, पेट पूजा भी हो गई है तो हम यहाँ पे दोबारा से अल्मोड़ा की तरफ प्रस्थान करते हैं अपनी बाइक के साथ। और बहुत लंबा सफ़र है, 35 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को इतनी लंबी जो है वो राइड करनी पड़ेगी और कल शायद हम लोग हल्द्वानी के लिए निकलेंगे और भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, मेरे को दिखेंगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे पार्किंग के तरीके से हमने अपनी बाइक वगैरह यहाँ पे खड़ी करके रखी हुई है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके से। और इतने में ही जाके सो टेम्पल जो है खत्म हो जाता है और नीचे साइड से और अच्छी मंजर देखने के लिए मिल रहा होगा अगर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे। प्रॉपर कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे ओवरऑल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिली है दंडेश्वर मंदिर का, जहाँ पे लिखा हुआ है दंडेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कुमाऊँ क्षेत्र में विशाल मंदिरों में से एक है। ये मंदिर जो है एक ये दंडेश्वर मंदिर है जो यहाँ पे जागन्नाथ मंदिर से पहले पड़ता है। ये वाला मंदिर है कुछ इस तरीके से, पीछे साइड प्रॉपर निकासी वगैरह प्रॉपर जिस तरीके से बनाया गया ना, जैसे जागेश्वर मंदिर था उस तरीके से ही बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जिसका निर्माण समय कस्तूरी शासकों द्वारा 9वीं सदी के 6 दिवस इतने माध्यम किया गया है। विभिन्न 14 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। भगवान शिव का समर्पित पूर्व भूमिक मंदिर संचार स्थान फलाना 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 चाहिए, आप जो है इसके ऊपर प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए 14 मंदिर हैं जिसको निर्माण किया गया है शिव जी के लिए। सो फ्रेंड्स, दंडेश्वर मंदिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और साउंड क्वालिटी अब भी मुझे बता देना भी कैसी है करके। और प्रॉपर इस तरह का व्यू है, ये देखिए 360 व्यू आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर। और ये प्रॉपर मंदिर है और मंदिर के अंदर ना कैमरा ले जाना यहाँ पर अलाउड नहीं है बट बाहर ही बाहर मैं आपको जो है वो दिखा सकता हूँ। लेकिन ये देखिए पीछे पानी यहाँ पर बह रहा है, पानी भी आप देख सकते हो और मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल व्यू आता है, नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे हिसाब से ना किसी को अगर मोक्ष चाहिए, किसी को अगर हेवन चाहिए, प्रॉपर दीन दुनिया से कटना चाहता है ना, तो यहाँ पे आके वो मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ पे आपको जो है वो सुविधाएं देखने के लिए मिलेगी लेकिन आप लोग हेवन में रहने का मज़ा ले सकते हो। प्रॉपर शांति है, दूर दूर तक यहाँ पे कुछ मतलब समझिए खाली चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी और मे भी शायद आप लोगों को भी आ रही होगी चिड़िया वगैरह की आवाज़ें, वरना तो मेरे हिसाब से गई जगह तो एकदम नंबर वन है। और दंडेश्वर मंदिर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिव जी के भक्त थे तो इस वजह से यहाँ पे आपको 14 जो है वो मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीछे भी है 10, 11 पीछे साइड भी हैं 2-3 मंदिर, 14 मंदिर यहाँ पे प्रॉपर स्थापना करी गई हैं। और उत्तराखंड के अंदर कुमाऊँ रीजन के अंदर ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब उत्तराखंड के अंदर बहुत मतलब मानी जानी जगह है ये भी दंडेश्वर मंदिर। मतलब ये समझ लीजिए अगर आप जो है वो जागेश्वर मंदिर जाते हो तो रास्ते में ही ये पड़ता है, तो आप यहाँ पे भी आके जो है वो इंजॉय वगैरह कर सकते हो और यहाँ भगवान जी के दर्शन जो है वो कर पाओगे।